गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 12th ऑफ अप्रैल 2023। मार्केट इज वेटिंग फॉर यूएस सीपीआई डेटा ड्यू इन अमेरिकन मार्केट, जिसका मतलब ये है कि हमें हमारा इंडियन मार्केट के बाद ही वो डेटा प्रिंट आने वाला है। डॉलर इंडेक्स 102.15। कल का मॉर्निंग एनालिसिस में हमें हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो था आपका 102.75 के आसपास, विच इज नथिंग बट द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। कल वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेस किया। अभी दो चीजें हमें देखना है, क्या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या क्या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, इन सच केस RSI will behave like this, some sort of support around 40 and move higher. क्या कौन सा प्राइस एक्शन होता है उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी पे कल हाई मारा है आपका 82.15, नीचे 81.94 लो है। कल स्टार्टिंग हमारा इंडियन मार्केट के स्टार्टिंग से ही बाइंग इंटरेस्ट दिखा गया, पॉसिबली द इनविजिबल हैंड्स केप्ट ऑन बाइंग एट लोअर लेवल्स, दैट मे बी द रीजन। कल आप देखोगे जैसे ही 9 बजा वैसे ही डॉलर रुपी एक 10 टू 15 पैसा ऊपर इंस्टेंटली चला गया। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? अभी व्हाट नेक्स्ट से पहले सर्टेन क्लूज दैट वी नीड टू सी इज ये आपका RSI टेकिंग सपोर्ट एट 60, माय बैड, टेकिंग सपोर्ट एट 40। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेस आउट करके फिर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दिस इज एज फार एज द RSI इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। पहले जो सपोर्ट था इट हैज बिकम ए रेजिस्टेंस। सो हमारा जो पहला एरिया ऑफ आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो सकता है। क्या आज और कल इसके आसपास रेजिस्टेंस लेके प्राइस दोबारा नीचे आएगा? ये दो चीज हमें देखना है। अगर नीचे आता है तो फिर इस एरिया में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये भी हमें देखना है। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे जो हमारा परसेप्शन होना चाहिए 82.25, 82.30 एज द रेजिस्टेंस लेवल, एंड नीचे के सपोर्ट में 81.80 और 81.70 में भी द सपोर्ट लेवल। कब तक? जब तक CPI डेटा नहीं आता है, उसके बाद मार्केट में टेक ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। GBP डॉलर पे कल एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट बाउंस बैक देखा गया। परसों ये दिन आपका जो लो मारा था 1.2344, हमारा ये इंतजार था कि टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, एंड वैसे ही नॉट एग्जैक्टली प्रेसाइसली एट सेंटर बैंड बट टुवर्ड्स द सेंटर बैंड के आसपास नजदीक, काफी नजदीक आके फिर अभी बाउंस कर रहा है। दैट बीइंग द केस, अभी दो तीन चीजें देखना है। पहला हम देखेंगे RSI एट 60, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा RSI? अगर इन सच केस प्राइस में फर्दर ड्रॉप, और अगर ये इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ के चला जाता है, दिस रेजिस्टेंस एट 2530, इसके ऊपर चला जाता है, तो कंटिन्यूएशन हमें देख सकते हैं। सो यहाँ पे एक सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द सेंस, क्या ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आए या क्या ये प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरह जाएगा? ये दो चीजें हमें देखना है बिफोर बिल्डिंग सम गुड ट्रेंडेड मूव इन GBP डॉलर। GBP INR पे भी सिमिलरली सेंटर बैंड के यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भी हमारा जो एनालिसिस रहेगा सिमिलर टाइप ऑफ रहेगा। पहले हम देखेंगे RSI resistance at 60,
क्या ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है? समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस फर्दर फॉल मे बी सी, एल्स आपका ऊपर की तरफ जा सकता है आरएसआई 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ. इन सच ए केस ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 102.50 से 103.00, इस रेजिस्टेंस को क्या इजीली तोड़ता है? ये पता चलेगा सीपीआई डेटा क्या नंबर आते हैं उसके बाद. सिमिलरली यूरो डॉलर ऊपर से नीचे आया सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, वही कॉज ऑफ कंसर्न आरएसआई एट 60. क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा? सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस. यूरो आइनर पे भी सेम, आपका सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है. RSI में इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है एंड प्राइस के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. हमें देखना है कि RSI यहीं पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है या प्राइस एक्शन का जो हाई है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है. इसके लिए हमें एक जो बड़ा व्यू है उस व्यू को बिल्डअप करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. डॉलर येन 133.70, ये आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये एरिया पे टाइम पास कर रहा है. इसका मतलब क्या है? ऊपर जाने के लिए इस लेवल को तोड़ने का इंतजार कर रहा है एंड इंतजार में इमीडिएट जो यूएस सीपीआई डेटा है उसका एक इंतजार हो रहा है. दूसरा आरएसआई is approaching 60, अभी 55.30. So, आने वाले दिनों में क्या ये 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है या 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा. इन द मीन टाइम प्राइस इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक W better. So, इसको अगर तोड़ेगा तो अगर तोड़ के कन्विंसिंगली तोड़ता है आफ्टर US CPI, इन सच ए केस प्राइस कितना तक ऊपर जा सकता है? ये ऊपर तक जा सकता है 136.60 के आसपास. सो इंतजार रहेगा. वन सेकेंड, JPY INR पे हमारा जो इमीडिएट ये जो सपोर्ट था फॉल के बाद रेजिस्टेंस हो गया. कल जो प्राइस बनाया है ये एक इन्वर्टेड पिन बार एट ए रॉन्ग प्लेस. वाई रॉन्ग प्लेस? यहाँ पे जो बना था इन्वर्टेड पिन बार ये इन्वर्टेड पिन बार राइट प्लेस पे था, लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्टेड पिन बार है एट द टॉप नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका सिग्निफिकेंस खराब नहीं है लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये है हायर एंड पे प्राइस रिजेक्शन हो चुका है. ये जो आपका 61-70 के आसपास जाने के प्रयास किया था एंड प्राइस गॉट रिजेक्टेड. दैट बीइंग द केस ये जो कल का हाई है इट्स ए चाइना वाला, मतलब काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस होगा. लेकिन चाइना वॉल अगर गिर जाता है यानी इसके हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा खासा अपमूव दे सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हाई है इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. अगर तोड़ता है देन ऊपर की तरफ, एल्स नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन में आपका एक तो एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है, इसके लो के नीचे जो आपका 8 मार्च का लो है दैट इज 59.50 उधर जा सकता है. डॉलर कैंडी आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया है? ये रेजिस्टेंस ये जोन पे लिया है. कल का हमारा एनालिसिस देखोगे कि फ्राइडे वाला जो कैंडल है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है. इसका रिलेवेंस इतना ही है हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेल ऑफ. और कल हम देखेंगे जैसे ही लो के नीचे सस्टेन किया एंड प्राइस फॉल किया. सो व्हाट नेक्स्ट से पहले आरएसआई पे एक नजर देते हैं. आरएसआई पे नजर देंगे तो क्या हो गया? आरएसआई एट 39.91, दैट मीन द केस ये जो मेजर डेटा यूएससीपीआई डेटा उसके बाद क्या ये यहाँ पे सपोर्ट करके ऊपर जाएगा? इन सच केस price will make
higher low. RSI will take support at 14 move higher and price will make higher low. And there are possibilities कि ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है. अगर ये RSI 40 पे सपोर्ट नहीं लेता है, in such case, for the sell-off and test of the recent swing low, which is nothing but 1.34, उसका swing low का test करेगा, further continuation देगा या नहीं देगा, उसको हम फिर दोबारा इंतजार analysis करने का कोशिश करेंगे. ऑसी डॉलर एक रेंज में अटका हुआ है, ऊपर में आपका 67.75 to 68 एंड नीचे की तरफ आपका 0.6550 से 6570 रेंज पे फंसा हुआ है. ऑन RSI टर्म्स में ये रेंज शिफ्ट करेगा या नहीं टेकिंग सपोर्ट एट 60, इसके लिए हमें इंतजार रहेगा. CNH कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन, मदर कैंडल 13th मार्च का, उसके रेंज के अंदर में ही विद एन एक्सेप्शन ऑफ 23rd मार्च, दैट बीइंग द केस, इसको और एक बार कंसोलिडेशन हो गया तो क्या होगा, उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा धमाकेदार, तो देखना पड़ेगा ब्रेकआउट किधर देता है. यूके ऑयल 85.50 कल एक अच्छा खासा अप मूव देखा गया. ये अपमूव जो है एनगल्फिंग प्रीवियस 3 डेज प्राइस एक्शन, आपका 5th अप्रैल, 6th अप्रैल एंड 10th अप्रैल का जो प्राइस एक्शन है उसको पूरा का पूरा खा गया है. और देखने वाला बात RSI टेकिंग सपोर्ट एट 60, इसका मतलब क्या है, जैसे ही इस प्राइस एक्शन इस एरिया को रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, एक अच्छा खासा अप मूव हमें इंतजार कर रहा है. अच्छा खासा अप मूव बोले तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 89.30 और उसको तोड़ के और भी फर्दर हायर एंड पे जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है. सो यूके ऑयल में आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपवर्ड साइड. आप बोलोगे अपवर्ड साइड बिकॉज यहाँ पे इंडिकेशन है, ये ऊपर जाने का इंडिकेशन है, दैट इज व्हाई अपवर्ड साइड. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी कल एक 3 बार बनाया स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है. स्पिनिंग टॉप का मतलब एक पॉज कैंडल, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेल ऑफ. इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 3.4850 एंड 3.61, ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस है. आज USCPI डेटा प्रिंट रिलीज होने के बाद किधर की तरफ जाता है हमें इंतजार रहेगा. US 10 ईयर ट्रेजरी आपका एक सिमिलरली स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन, सिमिलरली हाई अबव द हाई कंटिन्यूएशन, बिलो द लो सेल ऑफ. सो हमें इंतजार रहेगा किधर जाता है अभी. और द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट मीन्स US 10 ईयर एंड 2 ईयर, इसमें आपका 57 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है. सो आज के USCPI डेटा के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंस घट रहा है या फर्दर और थोड़ा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आप सभी का दिन शुभ हो. धन्यवाद.